ये लो प्रदीप, तुम्हारी इस महीने की सैलरी 7,000 रुपए। और ये लो विपिन, तुम्हारी इस महीने की सैलरी पूरे 10,000 रुपए। इस बार मैं तुम्हें पैसे बढ़ाकर दे रहा हूँ। जी मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। और हाँ, तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारे ऊपर तरस खाकर तुम्हारी सैलरी बढ़ाई है। तुम हमारे यहाँ कितने सालों से मेहनत और लगन से काम कर रहे हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाई है। अच्छा चलो, बाकी का काम करो जाके। ठीक मालिक। मैं कितने सालों से इनकी गाड़ी चला रहा हूँ और आज तक इन्होंने कभी भी ना तो मेरी सैलरी बढ़ाई है और ना ही कभी मेरी तारीफ की है। जब देखो तब हमेशा इसकी ही तारीफ करते रहते हैं, जैसे मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। मुझे तो लगता है जब तक ये इस घर में रहेगा तब तक मेरा कुछ नहीं होने वाला, कुछ तो करना ही पड़ेगा इसका। अरे चलो प्रदीप, नहीं तो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। जी मालिक, आइए। वाह विपिन, आज तो खाने में मजा आ गया, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। हाँ विपिन, तुमने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। ऐसा खाना तो सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट में ही खाने को मिलता है। वाकई में तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो। इन लोगों के पास इसकी तारीफ करने के अलावा कोई काम ही नहीं है। विपिन, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। अब की आने वाले त्योहार पे तुमको बोनस दूंगी और कपड़े भी दूंगी। क्यों जी, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा तो अब ये लोग इसके लिए कपड़े भी बनवाएंगे और मेरे लिए कुछ करते हैं नहीं। इसका मतलब मैं चाहे कितना भी काम करूं लेकिन ये लोग हमेशा इसके ही गुड़गाते रहते हैं। आइए साहब, गाड़ी रेडी है। ठीक है, आता हूँ। विपिन, मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आओ। जी मैम साहब, आता हूँ। आज मिला है सही मौका। ये लोग हमेशा इसकी तारीफ किया करते हैं ना, आज देखता हूँ कैसे तारीफ करते हैं। यार आज तो बहुत लेट हो गया रेडी होने में। विपिन खाना लगा दो। क्रिस्का, खाना खा लो आके, खाना लग गया है। विपिन पानी ले आओ। पानी, पानी, पानी। ये कैसा खाना बनाया तूने? सारी मिर्च एक ही साथ डाल दी है क्या? अरे नहीं साहब, मैंने तो खाने में सही मात्रा में मिर्ची डाली है। तो फिर सब्जी इतनी तीखी क्यों लग रही है? मुझे नहीं मालूम साहब, मैंने तो खाने में स्वाद के अनुसार ही मिर्ची डाली है। अच्छा, खाना तो तू बनाता है, तुझे नहीं मालूम होगा तो फिर किसे मालूम होगा? साहब मुझे नहीं मालूम, मैं सच कह रहा हूँ। साहब आप लोगों ने इसे सर पे चढ़ा रखा है, आप लोग इसकी हमेशा तारीफ किया करते हैं ना, इसीलिए इसका काम में ध्यान नहीं लगता। हाँ शायद मैंने इसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी थी और इसकी सैलरी बढ़ा दी थी, इसीलिए सही से काम नहीं कर रहा है। अगले महीने तुम्हारी सैलरी से 1,000 रुपए कम हो जाएंगे। और हाँ जाओ अच्छे से काम करो, नहीं तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। नहीं साहब ऐसा मत करिए, मैं अब अपने काम पर आगे से पूरा ध्यान रखूंगा। ठीक है जाओ।
प्रदीप चलो, नहीं तो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। जी सर। साहब। हाँ विपिन। साहब वो मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। नहीं विपिन, अभी तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। अगले महीने ही त्योहार आने वाला है और घर की साफ सफाई करनी है, तो अभी तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। लेकिन मालिक मुझे गांव में बहुत ही जरूरी काम है, अगर मैं नहीं गया तो मेरा बहुत ही नुकसान हो जाएगा। मालिक मुझे सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए बस। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टी दे रहा हूँ और तुम परसों चले जाना। जी मालिक, धन्यवाद। इसका अलमारी में पैसे रखे हैं, उन्हें ले आओ। आज पंचम की जमीन का एडवांस देना है। ठीक है, अभी नहीं। वरुण, यहाँ पे पैसे नहीं है। क्या? ध्यान से देखो, वही होंगे। मैंने सारी जगह अच्छे से देख लिया है, कहीं पर पैसे नहीं है। मैंने तो सारे पैसे यहीं रखे थे, तो फिर ये पैसे कौन ले गया? अगर कोई चोर आया होता तो ये ज्वेलरी भी उठा के ले जाता। ये जरूर किसी अपने का ही काम है। चलो चल के पूछते हैं। आइए साहब, गाड़ी रेडी है। रुक जाओ। क्या हुआ साहब? मेरी अलमारी में 1,00,000 रुपए रखे थे, क्या वो तुमने लिए हैं? अरे साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भला पैसे, वो भी 1,00,000 रुपए? साहब मैं तो कभी कमरे के आसपास भी नहीं जाता हूँ। अगर तुमने पैसे नहीं लिए तो कहाँ चले गए पैसे? साहब मुझे नहीं मालूम, अगर आप चाहे तो मेरी तलाशी ले लीजिए। आइए साहब, आप मेरी तलाशी ले लीजिए। अगर इसके पास पैसे नहीं है तो पैसे गए कहाँ? मुझे भी नहीं समझ आ रहा, आखिर पैसे कहाँ चले गए? साहब एक बार इसकी भी तलाशी ले लीजिए। हाँ साहब, आप मेरी भी तलाशी ले लीजिए। लीजिए तलाशी साहब। नहीं फिर, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं साहब, आप मेरी तलाशी ले लीजिए, नहीं तो मुझे अंदर अंदर घुटन होने लगेगी। नहीं विपिन, हम लोगों को तुम पे पूरा भरोसा है, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। नहीं मैम साहब, आप लोग मेरी तलाशी लीजिए, ताकि मेरे जाने के बाद आप लोगों के मन में कोई वहम ना रह जाए, इसीलिए आप लोग मेरी तलाशी लीजिए। साहब चेक करिए मेरा बैग। साहब जब विपिन इतना कह रहा है तो आप इसकी तलाशी क्यों नहीं ले लेते? ये पैसे और तुम्हारे बैग में? मुझे नहीं पता साहब, ये पैसे मेरी बैग में कैसे आए? मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम हमारे साथ ऐसा करोगे? मैं सच कह रहा हूँ मैम साहब, मैंने पैसे नहीं रखे, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये पैसे मेरे बैग में कैसे आ गए। तुमने ये सब क्यों किया? क्या मैं तुम्हें सैलरी नहीं देता था, या फिर कपड़े नहीं देता था? मैं बताता हूँ साहब, किसने ये सब किस लिए किया होगा। अभी आपने कुछ दिन पहले इसकी सैलरी घटाने के लिए बात कही थी ना, इसीलिए इसने सोचा होगा कि मैं कुछ पैसे चुरा कर अपने गांव चला जाता हूँ। क्यों विपिन? नहीं मैम साहब, मैंने ये सब बिल्कुल भी नहीं किया है, अब मेरा यकीन करो मैम साहब। तुमने चोरी की है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना होगा,
और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। नहीं साहब, मैंने सब नहीं किया है। मैम साहब आप ही बताइए, मैं भला ये सब कर सकता हूँ? विपिन मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे तुम पर बहुत भरोसा था लेकिन तुमने वो भरोसा तोड़ दिया, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। साहब आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैं आपके यहाँ कितने सालों से काम कर रहा हूँ लेकिन मैंने आपके यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं किया। साहब मैंने सब नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करिए साहब। हाँ तुमने उसी भरोसे और विश्वास का गलत फायदा उठाया है, अब तुम बहुत जल्द यहाँ से चले जाओ, गेट आउट। साहब मुझे बैंक में खाता खुलवाना है और इस फॉर्म पे माता पिता के साइन चाहिए, और आपको तो पता ही है कि मेरे माता पिता कब के गुजर गए हैं, तो आप इस पर साइन कर दीजिए क्योंकि आप ही मेरे गार्जियन हैं, और ताकि मेरा बैंक में खाता खुल जाए और मैं कुछ रुपयों की बचत कर सकूं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लाओ कहाँ साइन करना है। अरे ओ वरुण साहब कहाँ हो, बाहर आओ। क्या हुआ प्रदीप, कोई काम है क्या? हाँ मुझे अपना घर खाली करवाना है। घर खाली मतलब? मतलब ये कि ये घर अब मेरा हो गया है और इसे तुम बहुत जल्द खाली कर दो। क्या ये तू क्या बकवास कर रहा है, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा तो दिमाग ठीक है लेकिन अब तुम्हारा दिमाग जरूर खराब हो जाएगा। ये सब कब किया? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने इन कागजों पर साइन कब किया। लेकिन इन कागजों पे तो तुम्हारे ही साइन है, तो फिर? देखो अब ये सब बाद में पूछ लेना, पहले मेरा घर खाली करो। धोखेबाज, तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, हमने तुम्हें नौकरी दी और तुमने हमें ही बेघर कर दिया। अगर मुझे पहले पता होता कि तू ऐसा है तो मैं तुझ पर तरस खाकर भी तुझे नौकरी नहीं देता। अरे साहब जो होना था वो तो हो गया, अब थोड़ा जल्दी करो क्योंकि मुझे यहाँ शिफ्ट होना है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? हम लोगों ने प्रदीप के ऊपर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। हाँ हम लोग उसी की वजह से बेघर हुए हैं और आज सड़क पर आ गए। कौन है आप लोग और यहाँ क्यों बैठे हैं, कहीं जाना है क्या? जाना तो है लेकिन ये नहीं पता है कहाँ जाना है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अपने घर जाइए, और यहाँ बैठने से क्या फायदा? हम लोग बेघर हो गए इसलिए यहाँ बैठे हैं। अब देखो किस्मत कहाँ ले जाती है। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मेरे घर चलिए। नहीं नहीं हम किसी के घर नहीं जाएंगे, किस्मत हमारी खराब है तो
तो हम भला किसी के ऊपर क्यों बोझ बने? आप जिसे बोझ कह रहे हैं ना, वो बोझ नहीं, वो तो एक इंसानियत है, और एक इंसान दूसरे इंसान के काम आना चाहिए। आप मेरी बात मानिए और मेरे घर चलिए। नहीं नहीं, हम तुम्हारे घर नहीं जा सकते, और हम लोग तुम्हें दुख देना नहीं चाहते। इसमें दुख देने वाली कौन सी बात है? आप मेरे मेहमान बनकर चलिए, क्या आप भी नहीं चलेंगे? जब ये इतनी प्यार से कह रहे हैं तो चलिए ना, कुछ दिन इनके घर पे रुकते हैं चल के। ठीक है। आइए, ये है हमारा घर। आप लोग जब तक चाहें तब तक यहाँ रह सकते हैं। अब आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आइए, आप लोग आराम कीजिए। देखिए सर, यह जमीन आपकी फैक्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर आप इसे खरीदेंगे आपको बहुत ही फायदा होगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या मुझे इस जमीन के आसपास की जमीनें मिल सकेंगी? जी सर, मैं यहाँ के किसानों से बात करूँगा। ओके, चलो। मालिक, मैं हूँ सर। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। साहब, आप लोग यहाँ? आप लोगों ने अपनी ये कैसी हालत बना रखी है? और आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं इस तरह, क्यों? तुम्हारे जाने के बाद उस धोखेबाज प्रदीप ने मेरी प्रॉपर्टी के कागजों पर मुझसे धोखे से साइन करवा लिया, और फिर उसने मेरी पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली। फिर इन्होंने हमें सहारा दिया और फिर हम लोग यहीं रहने लगे। अच्छा विपिन, लगता है तुम तो अमीर आदमी बन गए हो। अमीर नहीं मैम साहब, बस पहले मैं किसी लायक नहीं था और अब थोड़ा बहुत लायक हो गया हूँ। आप लोग चलिए यहाँ से, अब आप लोग यहाँ नहीं रुकेंगे। आप लोगों को ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपका नौकर जिंदा है साहब, जब तक ये आपका नौकर जिंदा है तब तक आप लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई भी दुख नहीं होगा आपको। चलिए साहब, मैम साहब चलिए, आप लोग चलिए साहब। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे मालिक और मैम साहब का इतना ख्याल रखा। जी साहब, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जी साहब, चलिए साहब। प्रदीप, कहाँ है तो बाहर निकल। कौन चिल्ला रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? तू वही है ना जिसे मैंने इस घर से बाहर निकलवाया था? हाँ मैं वही हूँ। उस दिन तो मैं इस घर से गया था, लेकिन आज तू यहाँ से निकलेगा। मैं? भला वो कैसे? वो देख।
चल निकल यहाँ से, ये घर इनका है। मैं नहीं, तुम लोग निकलोगे यहाँ से, क्योंकि ये सारे प्रॉपर्टी मेरे नाम है। ये प्रॉपर्टी तेरे नाम थी पर अब नहीं है, ये देख कागज। लेकिन यह प्रॉपर्टी इनके नाम कैसे हुई? मैं इस जमीन के 60 लाख रुपए बिघा लूंगा, नहीं तो मैं यह जमीन नहीं बेचूंगा। मैं इस जमीन के 80 लाख बिघा दूंगा, क्योंकि यह जमीन मेरे सर को बहुत पसंद है। अरे वाह, इसका सर तो बहुत ही पागल है। मैं 60 लाख रुपए मांग रहा हूँ लेकिन मुझे 80 लाख रुपए मिल रहे हैं, इसमें तो मेरा बहुत ही फायदा है। ओके ओके डन, लाइए कहाँ साइन करना है। ये लीजिए। ठीक है, हमारे सर आपके पैसे बहुत ही जल्द भिजवा देंगे। अब तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। सर आपका काम हो गया है। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दो मैम साहब, मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही गलत किया है। मुझे माफ कर दो मालिक। विपिन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर चोरी का झूठा इल्जाम लगवाकर तुम्हें घर से बाहर निकलवाया था। तूने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और तू माफी के लायक नहीं है। विपिन तुम पुलिस बुलाओ और इसे इसी वक्त यहाँ से निकालो। हाँ, इसे अभी घर से बाहर निकालो। जी मैम साहब।